हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। कई बार सोचा था कि आप तक एक कॉन्सेप्ट लाऊं, क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर, लेकिन नहीं आ पा सकता था क्योंकि इसके लिए मैं सोचता था कि थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊं पहले, ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो इस लॉकडाउन में हमें ये मौका मिल गया कि पहले हम लोग इस को समझने के लिए पहले ट्रांजिस्टर को समझे। तो आशा करता हूं आप लोगों ने मेरी मैं हूं ट्रांजिस्टर वाली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं भी देखी आप लोगों में से किसी ने उसे, तो मैं यहां आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें, और जिन्होंने नहीं देखी है पहले देख के आइए जाइए। अच्छा, अगर आपने अब वो वीडियो देख ली है मान के चलते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे की वीडियो में आपको बताता हूँ। जनरली क्लासेस जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास एच और क्लास डी। ये पांच क्लासेस मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं क्लास ए के बारे में। क्लास ए बेसिक है इसका, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसमें लगे होते हैं जो छोटे से सिग्नल को यानी छोटी सी आवाज़ को बड़ा कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, और ये एम्पलीफाइड आवाज़ हमको बाहर मिलती है। तो क्लास ए जो होता है हमारे ट्रांजिस्टर पे वर्क करता है सिर्फ पॉजिटिव साइड पे, यानी कि जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकलता है या जो करंट उसके अंदर आता है उसको हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वे से ही यूज़ करते हैं। पॉजिटिव वे में यूज़ करने का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ चैनल वन ही होता है, चैनल टू नहीं होता है, यानी कि दो साइड्स नहीं बनती हैं। तो ये पॉजिटिव साइड पे काम करता है, तो इसका सर्किट बड़ा इजी है। इसको लगभग मान के चलते हैं कि 6 वोल्ट से लेके, मतलब डीसी वोल्टेज में आप 6 वोल्ट से लेके तो 24-36 वोल्ट तक भी इसे चला सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अहूजा के एम्पलीफायर्स, SSA 160, SSA 250। ये जो एम्पलीफायर्स हैं ये सारे क्लास ए के हैं। इनके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ मतलब क्या बोलेंगे, नुकसान भी हैं। इनके फायदे कुछ ऐसे हैं कि ये सर्किट बड़ा इजी होता है, मतलब ये कोई भी रिपेयर कर सकता है। ये सस्ता होता है, चीप होता है, मार्केट में आपको इजीली ये बहुत सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा। इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब वाकई शानदार क्वालिटी ये बजता है। जैसे इसके प्रॉफिट हैं तो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ये सस्ता बनता है तो इसको मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं तो जाहिर सी बात है ये बिगड़ता भी है। दूसरा पॉइंट है कि ये थोड़ा हीट ज़्यादा जनरेट करता है, मतलब गर्म बहुत होता है। अब एम्पलीफायर तो यही करता है ना कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने के अलावा ये हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हमारी एनर्जी पूरी यूटिलाइज नहीं होती है, इसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब कितना अमाउंट की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी हमने जितनी बिजली इसको दी है क्या वो पूरी बिजली ये यूटिलाइज करके साउंड बना रहा है, उसकी आवाज़ बना रहा है, या कुछ बिजली वो वेस्ट करके हीट में जा रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं, और इसकी एफिशिएंसी है लगभग 60% तक। पूरा एफिशिएंट नहीं है ये, 60% है। इसके बाद आता है हमको, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी तो हम लोग आए क्लास बी पे। क्लास बी सिर्फ पॉजिटिव साइड पे नहीं, ये नेगेटिव साइड पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इसमें दो सर्किट बनाए गए, पॉजिटिव सेक्शन और नेगेटिव सेक्शन। सर्किट सेम वही था, सिर्फ क्या था कि अब हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ने लगी, तो हम लोगों ने रिसर्च करके इस वाले फैक्टर को डेवलप किया,
पॉजिटिव और नेगेटिव को। अब इसका आउटपुट बढ़ गया, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ये अच्छा था बजने में पहले से भी, ये ज़्यादा फोर्स से ज़्यादा प्रेशर से आवाज़ फेंक सकता था और इसमें ज़्यादा वोल्टेज आप बना सकते हैं। तो इस क्लास बी बनाया गया। अब क्लास बी में भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। पॉजिटिव पॉइंट ये थे कि क्लास बी भी सस्ता था, चीप था, क्लास बी में मेंटेनेंस कम था, कम है मेंटेनेंस ए के कंपैरिजन में, और क्लास बी जो है वो ज़्यादा वोल्टेज आपका दे सकता था आउटपुट में। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेंजर पीबीटी 501 या स्ट्रेंजर पीबीटी 701, स्ट्रेंजर पीबीटी 1000, ये सारे एग्जांपल हैं क्लास बी के, जो कि पुराने इससे थोड़ी सी एडवांस्ड क्वालिटी थी। क्लास बी के बाद आया क्लास ए बी, एक ऐसा क्लास जिसने ए और बी के सारे गुण अपना लिए और ड्रॉबैक्स कम कर लिए। क्लास ए बी का सर्किट कैसा है? क्लास ए बी का सर्किट जनरली, क्लास ए बी डुअल चैनल में हम लोग ज़्यादा देखते हैं, मैं सिंगल चैनल की बात कर रहा हूँ। ये सर्किट ऐसा होता है कि इसमें दो साइड्स होती हैं ट्रांजिस्टर की, और इसको ड्राइवर आईसीस के थ्रू, यानी कि सर्किट जो होता है उसका, उसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है, और इसकी पावर की क्षमता बहुत है। यानी ये पुराने एम्पलीफायर्स जो कि 500, 700, 1000 वाट तक लिमिटेड थे, ये ज़्यादा पावर दे सकता था। ये 1200-1300 वाट एक चैनल दे सकता था, इतना पावर इसका बन जाता है। और इसकी स्टेबिलिटी ज़बरदस्त थी, प्लस इसमें फ़ैन भी लगाया गया ताकि इसको इम्प्रूव किया जाए क्वालिटी को। फ़ैन बी क्लास में बाद में आया था, ए बी क्लास में पहले लगा दिया गया, तो इसकी स्टेबिलिटी और भी इम्प्रूव हो गई। अब लोगों ने देखा कि क्वालिटी बड़ी अच्छी आने लगी, माइक पे भी ये बहुत अच्छा काम करने लगा, और सबसे अच्छी बात इसमें बेस भी अच्छी आने लगी थी। क्लास ए और बी के कंपैरिजन में क्लास ए बी में बेस काफ़ी अच्छी आने लगी थी, और ये ठंडा भी रहने लगा था, तो इसीलिए लोगों ने और फिर इसको डेवलप किया क्लास ए बी को। क्लास ए बी का एग्जांपल रहेगा NX ऑडियो RX 3000, RX 4000 एम्पलीफायर, ये क्लास ए बी के एम्पलीफायर है। फिर हमारी और रिक्वायरमेंट बढ़ी, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने और क्लास ए बी के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि क्लास ए बी का एक ड्रॉबैक था, जैसा कि मैंने बताया, ये 1200 वॉट तक एक चैनल बना लेता है। हम लोग उसमें संतुष्ट नहीं थे, हम लोगों को और भी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए था, तो उस टाइम पे हमने क्या किया, क्लास एच डिज़ाइन किया, ताकि अब हमारा वोल्टेज का जो रिजर्वेशन था, जो हम लोग वोल्टेज तक सीमित थे, वो बढ़ जाए, हमारा वोल्टेज और भी बढ़ जाए, तो क्लास एच और ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब इसमें हमने इम्प्रूवमेंट क्या किया, हमने ये किया कि क्लास ए बी जो लगभग 80 वोल्ट्स तक काम कर रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे 80 वोल्ट्स तक ये काम कर रहा है, तो हमने क्या किया, इसको बढ़ा के और एक सर्किट इसके ऊपर खड़ा कर दिया जो 160 वोल्ट पे काम करेगा। यानी जब ये सर्किट अपना पूरा आउटपुट दे देगा और इस पर लोड पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आउटर सर्किट पर आ जाएगा, यानी बड़े सर्किट पर आ जाएगा जो 160 वोल्ट पर काम करता है, तो और भी ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। यानी डुअल सर्किट मान के चलते हैं, एक ही पैनल, एक ही चैनल में आपको दो सर्किट मिल जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के दो सर्किट, तो हमारा वोल्टेज डबल हो गया। अब हम लोग एक चैनल पे 2000, 3000 वॉट्स 2 ohms 4 ohms पे जाने लग गए, तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ गई, हमारा वोल्टेज बढ़ गया। क्लास एच का अगर मैं एग्जांपल देने की बात करूं, तो ये होता है आप NX Audio MT-1601 या 1201, ये एम्पलीफायर बहुत अच्छे एग्जांपल हैं इसके, क्लास एच के। लेकिन क्लास एच से भी हमारा दिल कहाँ भरना था, हमने और स्टडी किया, इसे और स्टेबिलिटी देने की कोशिश की, क्योंकि क्लास एच के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि अगर ये थोड़ा बहुत भी मेंटेनेंस निकलता है तो इसका खर्चा लंबा चौड़ा आ जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर्स बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा बल्की था, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था, और इसमें ट्रांसफार्मर भी बहुत बड़ा लगता था।
और स्टडी करने की हमने कोशिश की। फिर हम लोगों ने फाइनली क्या ढूंढा, क्लास डी। क्लास डी में क्या बेनिफिट्स थे, सबसे पहले तो हम लोग क्लास डी समझ लेते कि ये है क्या। ये आम क्लासेस के जैसा नहीं था, इट वॉज समथिंग रेवोल्यूशनरी, जो ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी सामने लाने वाला था हमारे सर्किट्स को लेके। बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला के एक जगह पे लाना और उसका एक चिप बनाना, माइक्रो ट्रांजिस्टर या माइक्रो प्रोसेसर, ये टेक्नोलॉजी क्लास डी में लाई गई, जो आप मेरे ट्रांजिस्टर वाले वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने क्या किया। आपको जो ट्रांजिस्टर में एक्सप्लेन किया था भाई आगे और स्टेज आने वाली है, तो वो ये स्टेज थी। बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ लाया गया और फिर उनको एक जगह पे बहुत छोटे साइज में बनाया गया और उस माइक्रोचिप को रेडी करके हमारे एम्पलीफायर्स में लगाया गया। अब हमारा कॉस्टिंग बहुत कम हो गया क्योंकि इतने सारे ट्रांजिस्टर हमको मेंटेन ही नहीं करने थे और सर्किट भी एक ही था, एक ही चिप लगा हुआ था, तो हमारा सर्किट भी छोटा हो गया। अब इसको माइक्रो ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट किया गया तो हीट भी बहुत कम हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, अब ये उतनी हीट भी जनरेट नहीं कर रहा था। तो अब हमको बहुत छोटी साइज़ में इसको बनाया गया, तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफार्मर यूज़ करने की जगह हमने SMPS डाल दिया। अब SMPS और माइक्रोचिप्स के साथ इस एम्पलीफायर का कुछ साइज ही नहीं रहा, बहुत छोटा हो गया। अब जैसे ही ये छोटा होते गया इसका प्राइस बढ़ता गया, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी थी। लेकिन फिर पे और इस पे और स्टडी चल रही थी, अभी इसका प्राइजेस और कम हो गए हैं और फ्यूचर में क्लास AB से भी कम क्लास D के एम्पलीफायर बन जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। अब क्लास D का बेसिक किस चीज़ पे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एम्पलीफायर कंटिन्यू स्टार्ट रहता है हमारा किसी भी हाल में, तो हमको ये हम साउंड आता है, हवा का आवाज़ जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आवाज इसलिए आता है क्योंकि एम्पलीफायर हमारा कंटिन्यू स्टेट में वर्किंग में है, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, करंट इसको मिल रहा है और ये करंट को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये हीट जनरेट कर रहा है और ये हीट जो है वो वेस्ट हो जा रही है और उस वेस्टेज का जो आवाज आता है हमको हम साउंड वो आ रहा है। तो अब हमने जो क्लास डी लाया ना उसमें हमने क्या किया, स्विचिंग किया एम्पलीफायर, इसको ऑन ऑफ, अंदर के अंदर ही ये ऑन ऑफ होते लगा। जब जरूरत पड़ी इलेक्ट्रिसिटी की तो ऑन कर दिया गया, जब जरूरत नहीं है तो ऑफ कर दिया गया। इस स्विचिंग पे खेलने लगा क्लास डी अंदर ही अंदर, आपको बाहर से सिर्फ चालू दिखेगा, अंदर ही अंदर ये स्विच करता रहेगा। और इस स्विचिंग के कारण इसका पावर कंजम्पशन कम हो गया, इसका वोल्टेज बढ़ गया लेकिन पावर ही कम यूटिलाइज करने लगा, इसका हमिंग साउंड बंद हो गया, यानी इसकी क्लियरिटी भी बढ़ गई, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, सबसे तगड़ी बात इसका मेंटेनेंस जीरो हो गया। अब मेंटेनेंस जीरो हो गया तो ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल एम्पलीफायर आज के डेट में माना जाता है। कई सारे कंपनियों के इस टाइप के एम्पलीफायर आते हैं, क्राउन के, बीटा 3 के। अब इसमें जैसे डंपिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं, आपका क्लास H का अगर एम्पलीफायर है और उसका 1000 का डंपिंग है, तो क्लास D का 400 का भी डंपिंग इसको पछाड़ देगा, इस टाइप का इसका आउटपुट आता है। और जब इसकी आप वॉइस सुनेंगे ना, वाकई आप बोलेंगे सर ये क्या बजता है, मतलब वाकई आउट ऑफ द वर्ल्ड इसकी क्वालिटी ऐसी थी। इस पर प्रोग्रेस और भी हो रहा है, जैसे कि कई कंपनीज क्या करती हैं, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा डंपिंग, 400 से ऊपर डंपिंग लाने के चक्कर में वो ट्रांसफार्मर भी ऐड करती हैं ताकि प्रेशर ज़्यादा मिले। Beta 3 DT सीरीज इसका एग्जाम्पल है, DT सीरीज के एम्पलीफायर। और इनके ड्रॉबैक्स अभी तक पता नहीं लगे हैं, क्योंकि इनमें ड्रॉबैक्स बहुत कम माने जाते हैं, सिर्फ प्राइस एक ड्रॉबैक है इसका। तो आशा करता हूं कि क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आप लोग इसे समझ भी गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।